भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली मर्तबा अपने गृह विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के बनीखेत पहुँचे। अमित ठाकुर का बैंड बाजों के साथ स्वागत किया गया। जिले भर से बनीखेत पहुँचे सैकड़ों भाजयुमो कार्यकर्ताओं, प्रदेश योजना बोर्ड के सदस्य व डलहौजी नगर परिषद अध्यक्ष मनोज चड्डा, पूर्व विधायक रेणु चड्डा व जिला भाजयुमो अध्यक्ष विनायक रैना की अगुवाई में अमित ठाकुर का स्वागत किया गया। इस मौके पर अमित ठाकुर ने नाग देवता मंदिर में शीश नवाकर देवता का आशीर्वाद ग्रहण किया। उक्त नेताओं ने कहा कि भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष पद पर जिला चंबा के युवा नेता अमित ठाकुर की ताजपोशी कर भाजपा आला कमान ने जिला चंबा का मान बढ़ाया है। बनीखेत में हुए भव्य स्वागत से अमित ठाकुर भी गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो दायित्व हाई कमान ने मुझे सौंपा है, उसके लिए मैं तहे दिल से अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही नहीं केवल गौरव का क्षण है, ये चंबा जिला और भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता चंबा जिला में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये गौरव का क्षण है। अमित जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा प्रदेश अध्यक्ष बनना या मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा होना, इसका श्रेय मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे डलहौजी विधानसभा में लंबे समय से काम कर रहे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी, गंभीर परिस्थितियों में भी और विषम परिस्थितियों के बीच में भी भारतीय जनता पार्टी का दिया इस डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जिला चंबा के अंदर जला के रखा। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि चंबा जिले को हम विकास की के पथ पर आगे ले जाने के लिए सदा प्रयासरत रहूंगा और सदैव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़ा होने के प्रयास करता रहूंगा। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट।